हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल वुमेन्स हॉकी कोच। नेशनल वुमेन हॉकी कोच अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है हरेंद्र सिंह। ये द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। इन विच सिटी विल द नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग बी इनॉग्रेटेड रिसेंटली। नेशनल वुमेन्स हॉकी लीग इनॉग्रेट हुआ है रिसेंटली में, रांची में। वेन वॉज सी आर एफ शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सी आर पी एफ शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया गया 9 अप्रैल को। आंसर इज बी। वेयर वॉज सिक्स्थ इंटरनेशनल रैपिड फायर रेटेड चेस टूर्नामेंट हेल्ड रिसेंटली। सिक्स्थ इंटरनेशनल रैपिड फायर रेटेड चेस टूर्नामेंट अभी हुआ IIT मद्रास में। इसमें विजेता को 5 लाख रुपए का प्राइस मिलेगा। विच कंट्री हैज ज्वाइंट फोर्सेस विद द यूनाइटेड स्टेट टू इन्हांस AI सेफ्टी। US फोर्स के साथ ज्वाइन किया है AI सेफ्टी के लिए। किसने? UK ने, ब्रिटेन ने। आंसर इज बी। विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड इट्स फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन अंडर अमीर शेख मैसल। अमीर शेख मैसल के अंडर में फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन कंडक्ट किया गया है कुवैत में। Where did India's maritime security agencies organize coastal security exercise Sagar Kavach in April 2024? Indian maritime security agencies के द्वारा organize किया गया है coastal security exercise जिसका नाम है Sagar Kavach। ये हुआ है लक्षद्वीप में और इसका aim है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। Which country has recently declared a federal emergency in Orenburg region due to the Oral River flooding Ors? Ural River जो flood कर रहा है Ors को, तो emergency declared की गई है Orenburg region में। किस country के द्वारा? तो ये है Russia। In which of the following state is Ugadi फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज न्यू ईयर? उगादि उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है कहाँ पे? ये दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में मनाया जाता है और स्पेशली इसमें है कर्नाटका। आंसर इज ए। रिसेंटली NTPC हैज परमानेंटली क्लोज द 220 MW बरौनी स्टेज वन प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट में NTPC ने क्लोज किया है 220 MW बरौनी स्टेज वन प्रोजेक्ट? तो ये है बिहार में। आंसर इज बी। हु हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट पैनल टू मॉनिटर द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इन द हिमालयाज रिसेंटली? कौन सा स्टेट है इनमें से जिसने एक्सपर्ट पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया है फॉर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को देखने के लिए? ये है उत्तराखंड। आंसर इज डी। हु वॉज अपॉइंटेड फुल मेंबर ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन? 16th फाइनेंस कमीशन के फुल मेंबर अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है मनोज पांडा। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस हेड बाय द एयर इंडिया? कौन अपॉइंट हुए हैं ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशंस हेड? तो इनका नाम है जयराज सनमुगम। आंसर इज सी। एयर इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली द आर्मी ऑफ विच कंट्री विल रन ए कैंपेन टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम माउंट एवरेस्ट? माउंट एवरेस्ट से कचरा उठाने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है। किस आर्मी के द्वारा? किस नेशन की आर्मी के द्वारा? तो ये नेपाल है। Recently, India has gained operational control over Sitwe port in which country? Operational control gain किया है इंडिया ने Sitwe port पर। Sitwe port कहाँ पे है? ये म्यांमार में है। Answer is C. Recently, which Indian origin neurologist has been included in the world class research team of Britain? वर्ल्ड क्लास रिसर्च टीम में शामिल हुई हैं इंडियन ओरिजिन न्यूरोलॉजिस्ट हैं। इनका नाम है डॉक्टर अश्विनी केशवन। आंसर इज ए।
हु हैज़ लॉन्च सुविधा पोर्टल इन अप्रैल 2024। सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया है अप्रैल 2024 में, ये है ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आंसर इज ए। Recently, the Indian Army has received portable IGLA as air defense system from which country? Indian Army ने receive किया है portable, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है इनको, IGLA as air defense system, ये हमने रशिया से लिया है। Who won the ICC Men's Player of the Month Award for the month of March? March month के लिए ICC Men's Player of the Month का award मिला है, इनका नाम है Kamendu Mendis। Answer is C. Which is the first private company in India to launch Earth Observation Satellite TSAT-1A in April 2024? April 2024 में पृथ्वी अवलोक उपग्रह TSAT-1A नाम है इसका, लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है टाटा। आंसर इज बी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।